हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ एन अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है प्रैक्टिस। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पोकन क्लासेस कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन सीख रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, बहुत ज़रूरी कि आपको पहले सीखना होगा। तो सीखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि आप इंग्लिश में बातें कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो चैलेंजेस क्या होता है, जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको पार्टनर्स नहीं मिलते जिनके साथ आप इंग्लिश में बातें कर सके। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा और जिससे आपका इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव पहले से, बट आपको इस चीज़ को फॉलो करना होगा। तो पहली बात क्या है कि आपको एक ग्रुप बनाना हो, एक कम्युनिटी बनाना होगा। आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो अपना इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनका एक ग्रुप बनाइए, कम्युनिटी बनाएं, जिससे आप लोग वहाँ पर इंग्लिश में चैटिंग करें और एक टाइम फिक्स कीजिए जहाँ पर आप इंग्लिश में बातें कर सके, एक दूसरे से फ्रेंडशिप कीजिए और फिर इंग्लिश में बातें कीजिए। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे बहुत सारे टोल फ्री नंबर होते हैं, जैसे आपको किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, आपको रिचार्ज प्लान के बारे में जानना है, यानी कस्टमर केयर को आप कॉल कर सकते हैं जो टोल फ्री होता है। उसमें आप जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी मत कीजिए, आप उसको इंग्लिश में कीजिए। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में कीजिएगा तो क्या होगा, आपको इंग्लिश में बातें करना होगा। पहली बात, आपका पर्पज़ क्या है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाए और आपका इंग्लिश स्पीकिंग भी बढ़िया हो जाए, क्योंकि सामने वाला का काम है जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन देना। तो वो लोग कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे कि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आप क्या बोलो, बार बार बोलेंगे रिपीट कीजिए, तो लोग आपका जो है मजाक नहीं उड़ाएंगे। आप डायरेक्टली ऐसे किसी से बात कीजिएगा तो हो सकता है कि वो आपका मजाक उड़ाए, बट कस्टमर करके जो कस्टमर होते हैं वो कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तीसरी बात क्या है, आप नए नए लोगों से जो है फ्रेंडशिप बनाइए, फ्रेंडशिप कीजिए और उनके साथ जो है इंग्लिश में बातें कीजिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो आपको बातें करना होगा, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश में बातें नहीं करेंगे तब तक आपका इंग्लिश फ्लुएंट कैसे होगा। वक्त तो लगेगा, 3 से 6 महीना वक्त तो लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। यानी बात करना आपको इंग्लिश में तभी आएगा जब आप इंग्लिश में बात करेंगे। तो आपको इंग्लिश में बातें करना होगा, चाहे जो हो जाए। ये मत सोचिए कि सामने वाला मजाक उड़ा रहा है आपको, आपका मजाक उड़ा रहा है, आपका जो है रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ये मत सोचिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश में बातें करना, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं फ्राटेदार इंग्लिश बोलूँगा और वही इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा, वाह क्या इंग्लिश बोल रहे हो। तो दोस्तों, बहुत आसान है इंग्लिश सीखना, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये हर इंसान को सीखना चाहिए। और इसको बहुत बड़ा हवा मत बनाइए कि ये पॉसिबल ही नहीं, कोई भी इंसान इंग्लिश सीख सकता है। शर्त बस इतना है कि आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। तो बस खुद के ऊपर बिलीव रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अगर कोई और कर सकता तो आप भी में इस चीज को कर सकते हो। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आदमी पहाड़ तोड़ सकता है, तो क्या आप एक इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते, जरूर सीख सकते हो। तो बस हमारे साथ बने रहिए, हम लोग हमारे चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस हम लोग डालते रहते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको छोटा सा वीडियो चलेगा प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग जब भी नया वीडियोस बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।